तो फ्रेंड्स, आज हमारा इस पावर पॉइंट के चौथे वीडियो के अंदर मैं आपको पावर पॉइंट का ऑप्शन स्टार्ट और हमारा प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो चुका है पिछले कुछ दो वीडियो के अंदर। तो मैंने जैसे कि समझा था आपको कि जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वाइज डिज़ाइनिंग, उसकी उसका व्यू डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के होते हैं। आप तो जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये जो अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फिर बहुत कुछ आपको सामने मिल जाएगा यहाँ पर। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग प्लस उसकी उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसी तरह से उसका डेटा हमारा यहाँ पर मेंटेन होता है। फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, मैं पब्लिशर समझाऊँगा क्या है, ओके। प्लस यहाँ पर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट मैं 2016 यूज़ करता हूँ यहाँ पर, आप भी और एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक और बेहतरीन से दूसरा जो सॉफ्टवेयर है उसका और अच्छी तरह से यहाँ पर जो लोग डेटा एंटर करना चाहते हैं या फिर, तो ये जो है सब जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो मैंने दोनों सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सरसाइज प्लस में प्रैक्टिस करके आपको समझा दिया था। तो इन सभी का वीडियो पार्ट वाइज ही देखिए और प्रैक्टिस करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कीजिए और हर एक एक ऑप्शंस को ध्यान से समझिए और वीडियो को बार बार रिपीट करके आप समझिए। प्लस जितना प्रैक्टिस करोगी उतना आपको अच्छा बेहतर आपका कंप्यूटर पर नॉलेज बढ़ेगा, प्लस एक्सपीरियंस होगा। तो इन सभी ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है, ओके। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ मैंने बताया था वीडियो, इन सभी का वीडियो पार्ट वाइज ही देखिए, ओके। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल हो गया यहाँ पर, ओके। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, ओके, पावर पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियो के अंदर मैंने कुछ एक्सरसाइज करके दी थी, मैंने सबको समझाया था कुछ इस तरह से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैंने पिछली वीडियो में इंसर्ट के बारे में बताया था, ओके। तो इंसर्ट के ऑप्शन क्या होते हैं यहाँ पर, बेसिकली मैंने इतना कुछ मैं डिटेल में नहीं गया था क्योंकि टेबल वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर समझा दिया था, क्योंकि बार बार इसको पढ़ाते आपको जो टाइम निकल जाएगा आपका प्रॉब्लम होगी हो जाएगी। तो बेसिकली हम जो स्टार्ट करते हैं उसकी मेन मेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पहले से ही हमने ये कवर करके रखा हुआ है कि इन सभी ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ध्यान से पढ़ोगे तो इस सभी चीज़ों का आपका नॉलेज कम्प्लीटली हो जाएगा। और इंसर्ट की भी बात करते हैं तो इंसर्ट में सिर्फ दो ही ये मीडिया ही ऑप्शन है ज़्यादा, ओके, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मीडिया मैंने समझा दिया था पिछले कुछ वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक है डिज़ाइन के ऑप्शन के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्लस यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कहा जाता है यहाँ पर। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया और साइट पर बेल आइकॉन होता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सामने ये जो है ये स्लाइड्स है, ओके, ये ना कोई पेज है ना कोई मार्कशीट वगैरह के, इसको कहते हैं स्लाइड। और स्लाइड कहाँ पर दिखती है आपको, यहाँ पर स्लाइड दिखती है, ओके, ये स्लाइड है यहाँ पर, ये इसको स्लाइड कहते हैं। और स्लाइड कौन से नंबर की है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की। तो मैं सब पावर पॉइंट की ना स्लाइड क्यों दी जाती है, क्योंकि हमारा जो भी परफॉर्मेंस होता है, देख सकते हो कि सामने इस तरह का मैं परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पर, इस तरह का जो है स्लाइड होती है। जब मैं इसके अंदर एनिमेशन एंटर करूँगा तब आपको और अच्छी तरह से बेहतर आपको सामने देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो कि ये स्लाइड होती है यहाँ पर, इसको कहते हैं स्लाइड, ओके। ये स्लाइड 3 है, ओके, स्लाइड 3 के अंदर ये है, स्लाइड 1 के अंदर ये। लेकिन हमें समझना है डिज़ाइन ऑप्शन के बारे में, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सभी को पहले निकाल दूंगा यहाँ पर, ओके। देख सकते हो कि यहाँ पर क्लिक टू एड, भी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो क्या लिखा होता है, क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड। तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है स्लाइड के ऊपर होता है। तो मैं न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ, कोई भी आप स्लाइड ले सकती है। देखो स्लाइड के अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पर। तो टाइटल स्लाइड का क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर टाइटल होता है यहाँ पर। टाइटल मतलब उसका क्या आप सब्जेक्ट विषय उसका किस बारे में लिखना चाहते हो। तो मैं लिखता हूँ कि एनिमल के बारे में यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर एनिमल के बारे में लिखने के लिए एनिमल एनिमल है, लेकिन तो एनिमल कौन सा है यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लायन वगैरह, यहाँ पर इस तरह कोई भी आप लिख सकते हो लायन के बारे में। अब ये तो हो गया, तो ये होती है यहाँ पर एक स्लाइड, टाइटल स्लाइड। दूसरी जो स्लाइड होती है टाइटल इन कंटेंट। तो टाइटल के साथ कंटेंट भी होता है, तो नाम के साथ कोई फोटो एंटर करनी है जिसे कहते हैं टाइटल एंड कंटेंट। सेक्शन हेडर का मतलब होता है कि उसके पास सेक्शंस वगैरह, जहाँ पर देख सकते कि कुछ ऊपर हेडिंग छोड़कर या फिर गैप छोड़कर यहाँ पर नीचे की तरफ आप अलग अलग सब्जेक्ट उसके नाम लिखकर हम क्या एक डिज़ाइन बना देते हैं यहाँ पर। मीन्स उसका एक डिज़ाइन है यहाँ पर, एक बेसिकली लिखने का तरीका है यहाँ पर उसको डिज़ाइन के साथ। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ फोटो आएगी, ओके। यहाँ पर आपको ये लिख देख सकते हो, जहाँ पर ये क्लिक टू एड टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पर लिखने का एक फैसिलिटीज है यहाँ पर, ओके। फिर यहाँ पर फिर इसके अंदर फोटो इसके अंदर टेबल एंटर कर सकते हो, जो आपको एंटर करना है कर सकते हो। तो टेबल में एंटर करूँगा, ओके। तो ये टेबल पर लिखा है, टेबल के अंदर एंटर करता हूँ। मैंने कहा था कॉलम क्या होती है और रो क्या होती है, तो मैं 5 कॉलम एंटर करूँगा, 2 रो एंटर करूँगा, या फिर मैं 3 रो एंटर करूँगा, तो 3 आड़ी लाइन आएगी और सीधी लाइन 5 आएगी। जैसे तो सीधी लाइन 1 2 3 4 5 और जो यहाँ पर आड़ी लाइन है 1 2 3, ओके। तो ये होता है टेबल। अब टेबल को कितना बड़ा करना है आपको ये पे डिपेंड है, मैं इतना डिपेंड यहाँ पर इस तरह से, तो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप और अच्छी तरह से, और टेबल के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो, ओके। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि नेम, ओके, फिर फादर नेम लिखता हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसा जो भी हम अभी मैं वन बाय वन समझाऊंगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ कलर लिख लेते हैं यहाँ पर, कलर वगैरह, फिर तो डिफरेंट डिफरेंट वास की यहाँ पर हमारे ओके होता है। फिर इसका सिटी लिख लेते हैं यहाँ पर हम, और लिख लेते हैं यहाँ पर ओके एरिया। तो कोई भी हो यहाँ पर कलर वगैरह जो भी लिखते हो यहाँ पर, तो ये अपने तरीके से डेटा रहता है यहाँ पर, ओके नेम है यहाँ पर वगैरह वगैरह, तो आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ पर, ओके। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। फिर इसकी इसी तरह से यहाँ पर दूसरे टेबल में एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर चार्ट एंटर करूँ। तो चार्ट क्या होता है मैंने आपको समझाया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर समझाया था। तो चार्ट एक ऐसा है कि कोई भी आप एक यहाँ पर अपना सिस्टम बता सकते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, टी क्रिकेट के अंदर, कि कुछ अलग अलग हमारा चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना एक एनालाइज सेटअप कर सकते, एक डेटा एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो कॉलम वगैरह ये चार्ट होते हैं यहाँ पर, डायग्राम जिसको कहते हैं यहाँ पर। तो
ये तीन कैटेगरी वाइज में होती है, दो कैटेगरी वाइज में आपकी डिपेंड है किस तरह का आप एंटर करना है। यहाँ पर तो कॉल्यूम है, लाइन है, यहाँ पर बापी एरिया, जो भी आपको एंटर करना है आप एंटर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जो आपने एंटर किया है ओके सीरीज वन और सीरीज टू के अंदर, जैसे तो सीरीज वन और सीरीज टू, तो सीरीज वन और सीरीज टू क्या है पहले आपको ये समझना होगा, डेटा को समझना होगा, पहले चार्ट पढ़ना था आप डेटा को समझना पड़ेगा। फिर ये कौन सी चीज़ है यहाँ पर, जैसे तो कि 32 12 वगैरह यहाँ पर ये भी, और यहाँ पर कुछ डेट वगैरह दी हुई है यहाँ पर ओके। तो पहले आपको ये भी कम्प्लीटली सेटअप जो है यहाँ पर चार्ट का समझना होगा। तो मैंने ये चार्ट समझा दिया था आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ओके। तो चार्ट के साथ साथ आप वीडियो भी एंटर कर सकते हो, ये जो है पिक्चर एंटर कर सकते हो, तो पिक्चर भी एंटर करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि पिक्चर में यहाँ पर जैसे कि इमेजेस में लिखा होगा यहाँ पर, तो मैं कोई भी एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर ओके। तो ये एंटर मैंने कर लिया ओके। पिक्चर की इफेक्ट वगैरह जो है यहाँ पर, ये जो है पिंक का बॉर्डर वगैरह है, और का वेट भी बढ़ा देते हैं ओके। ये चीज़ें आपके सामने हो गई ओके। इसकी फील वगैरह यहाँ पर ये चीज हो गया आपके सामने, और जो भी आपकी चार्ट के अंदर जो सिस्टम्स वगैरह है ओके, ये चीज ये जो है ओके, ये मैंने एंटर कर लिया। तो ओके ये चीज़ मैंने सेटअप करके रखी हुई है, तो ये चीज़ मैंने सेटअप कर ली ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट वाइज आप अपना सेट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन बेस, हमारा जो सिस्टम असली, जो हमारा ऑप्शन जो है डिज़ाइन, तो ध्यान में रखिए कि डिज़ाइन क्या है। अभी आप देखो कि ये वाइट है, ये स्लाइड वाइट है, ये स्लाइड वाइट, तो डिज़ाइन का मतलब होता है कि आपकी स्लाइड की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। तो ये कुछ सैंपल है यहाँ पर देख सकते हो कि इसको थीम्स कहते हैं, जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, देख सकते हो कि बहुत कुछ आपको थीम्स मिलेगी ओके। अलग अलग देख सकते हो कि नाम तो वही रहेगा लेकिन उसकी डिज़ाइन किस तरह की होगी ओके। ये आपके सामने ये ओके, ये चीज़ अलग अलग आपके सामने डिज़ाइन होती है ओके। मुझे इस तरह का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इस तरह का भी एंटर कर सकते हो, या तो फिर इस तरह का भी एंटर कर सकते हो ओके। ये चीज़ है यहाँ पर ओके। फिर और भी आपके सामने जो थीम्स है यहाँ पर ओके, ये कुछ इस तरह की थीम्स आपको मिलेगी ओके। ये थीम्स आपके सामने है यहाँ पर, तो ये अलग अलग थीम्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने खुद की अपने तरीके से बनाई रखी हुई है। तो जो देख सकते कि आप अपने तरीके से एक बना सकते हैं यहाँ पर ओके। ये हमारा एक डिफरेंट वाइस का एक ओके, ये जो थीम्स है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि इसको इस तरह से कुछ सेटअप कर सकते हो यहाँ पर। ये थीम्स होती हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं डिज़ाइनिंग। फिर स्लाइड क्या करना, स्टैंडर्ड वाइस के लिए रखना है कि स्टैंडर्ड रखना है, तो स्टैंडर्ड रखोगे मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर इस तरह का, या तो फिर आप इसको बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, तो वाइट स्क्रीन रखोगे तो इस तरह की आपको मिलेगी ओके। अभी कटेट, अब यहाँ पर मेन जो चीज़ है यहाँ पर कि बैकग्राउंड का जो असली हमें अपनी तरीके से स्लाइड्स बनानी है, तो बैकग्राउंड फॉर्मेट पर आना है आपको अपने तरीके से। तो
आप अपने तरीके से सेटअप कर सकते हो। तो कलर आप ले सकते हो कि इस तरह का ले सकते हो यहाँ पर, कि इस तरह का भी आप एंटर कर सकते हो। तो ये स्लैट की ये जो है खुद की अपनी येलो कर सकते हो, या तो फिर कुछ लाइटली इस तरह का ले सकते हो, या और आपको लाइटली इस तरह का आप सेटअप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, फिर या तो फिर सॉलिड फील नहीं करना तो ग्रेडियंट फील कर सकते हो। ग्रेडियंट फील का मतलब होता है कि कुछ थोड़ा सा ऊपर की साइड उसका मिक्सिंग होता है यहाँ पर, देख सकते हो कि ओके इस तरह का। तो सभी इसकी जो लोकेशन, इसके पोजीशन जो लेवल थी, या ये पोजीशन लेवल्स होते हैं यहाँ पर, तो इस पोजीशन इस डायरेक्शन में कौन सा किस तरह का कलर का सेटअप सिस्टम सेटअप होगा। ओके, तो ये आपके सामने इस तरह का है यहाँ पर। ओके, ये आपके सामने, और ये डायरेक्शन कौन से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाए तो राइट से लेफ्ट जा रहा है। देख सकते हो कि राइट साइड से थोड़ा 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 होकर लेफ्ट साइड डार्क हो जा रहा है यहाँ पर। तो फिर आप लेफ्ट साइड से धीरे धीरे राइट साइड डार्क होता जा रहा है ये बैकग्राउंड कलर। तो ये कुछ स्लैश की, कुछ उसकी खुद की डिजाइनिंग है यहाँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अलग तरह का ये जो है सिस्टम एंटर कर रखा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर जो कुछ बैकग्राउंड साइड इस तरह का भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें आपके सामने आपके ये एंटर हुई है यहाँ पर। ओके, तो पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीन्स उसका किस तरह का आपका ये, जैसे कि कलर ब्राइटनेस वगैरह आप एंटर कर सकते हो। तो अप्लाई टू ऑल करोगे तो सबके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये है तो सिर्फ यहाँ पर ही होगा। यहाँ पर अगर मैं कोई अलग एंटर कर लेता हूँ कलर, जैसे कि मैं इसके अंदर येलो कलर एंटर कर लेता हूँ, और कुछ ग्रेडियंट फील एंटर कर लेता हूँ, या फिर उसके अंदर भी कुछ अलग से येलो कलर एंटर कर लेता हूँ, तो हम कुछ रेडियल टाइप का सेलेक्ट कर लेते हैं, और या तो फिर हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ और येलो कलर, जैसे तो कि यहाँ पर मिक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये कुछ मैंने इस तरह का एंटर किया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि वैसा का वैसा ही है, लेकिन जैसे ही अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करूँगा तो सब पर अप्लाई हो जाएगा, सब पर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अप्लाई ऑल। रिसेट करना है मतलब पहले की तरह रखना है तो रिसेट कर सकते हो पिक्चर और टू टेक्स्ट फील। तो पिक्चर टेक्स्ट टू फील क्या होता है कि आपका कोई कंपनी का लोगो या आपके कंपनी का या तो खुद की अपनी फोटो है, इसके बैकग्राउंड में एंटर करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ये पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हो कि सामने ये पिक्चर एंटर हो गया। ओके, स्लाइड चेंज हो गई है, देख सकते हो अपनी खुद की बैकग्राउंड के अंदर सेट कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंट का होता है कि इसको मैं कम इस तरह से रख सकता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का अपना एक पिक्चर्स यहाँ पर। ओके, तो मैं एंटर कर लेता हूँ इस तरह का, या तो फिर पैटर्न फिल कर लेता हूँ। पैटर्न होता है अपना खुद जो हमारे सिस्टम्स वगैरह होती है यहाँ पर, तो मैं रेड कर लेता हूँ, तो रेड की अपनी पैटर्न होती है यहाँ पर। ओके, तो ये अलग अलग डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट देता है यहाँ पर। मैं जब जब वन बाय वन करके सिखाऊंगा तो जब हम ऑप्शंस को समझ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो पैटर्न किस तरह से यहाँ पर होती है, जैसे देखिए यहाँ पर साइड पर कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे तो जैसे ही मैं अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करूँगा तो ये सब पर अप्लाई होगा। ओके, इस तरह का होता है यहाँ पर, कस्टम भी होता है और सबके साथ सेम भी होता है यहाँ पर। और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का मतलब होता है कि बैकग्राउंड ग्राफिक्स को मैं हटा सकता हूँ, ये ग्राफिक्स से, ये बैकग्राउंड ग्राफिक्स है।
यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। रिसेट मीन्स अपने स्लाइड का जो भी पहले का डिज़ाइन है वो एंटर कर सकते हो। तो यही है यहाँ पर हमारा जो है ये डिज़ाइन का ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया कि सॉलिड कलर एंटर करना है या अलग अलग पैटर्न वगैरह, तो आपको ही एंटर करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ट्रांजेक्शन के बारे में कि ये क्या है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है, मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। इन सभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के ऊपर बेल आइकन क्लिक करने से आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलेगी। तो पावर पॉइंट को आपको पता चल गया कि सबसे पावर पॉइंट थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो है। नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर एमएस ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़कर हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।